हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल हेल्थ बाय डॉक्टर आकाश भारद्वाज। आज हम जानेंगे एक बहुत ही कॉमन इचिंग की बीमारी के बारे में, जो कि एक बग से होती है। बग मतलब एक कीड़े से होती है और उसको हम बोलते हैं स्केबीज। तो जो ये नीचे आप फोटो देख रहे हैं, सो ये एक क्लासिकल स्केबीज का प्रेजेंटेशन है। तो ये स्केबीज जो होता है, इसमें छोटे 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 दाने हो जाते हैं, पूरे शरीर में हो जाते हैं। स्पेशली सबसे ज़्यादा दाने कहाँ पे होते हैं, तो हाथ में होते हैं, ठीक है। इंटर डिजिटल स्पेसेस बोलते हैं, मतलब ये सारे स्पेसेस में दाने होने लग जाते हैं, जिसको हम लोग पैप्यूल्स बोलते हैं। छोटे छोटे पैप्यूल्स बन जाते हैं और ये पैप्यूल्स जो है, ये सब हाथ के इंटर डिजिटल स्पेसेस में, हाथ में, पूरे हाथ में और बॉडी में ये पाए जाते हैं, और फेस को ये इफ़ेक्ट कम करते हैं। और ये होता है एक आर्थ्रोपोड के कारण से, जिसको एक कीड़े के कारण से, जिसको बोलते हैं हम लोग सार्कोप्टिक्स स्केबाई। ये नीचे आप एक सार्कोप्टिक्स स्केबाई कीड़ा का बहुत मैग्निफाइंड व्यू देख रहे हैं। ये बहुत छोटे 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 होते हैं और ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारे बेड्स में रहते हैं। इसको बेड बग भी बहुत बार बोला जाता है। और ये हमारे इंटरडिजिटल स्पेसेस में यहाँ यहाँ पर सब आके बैठ जाते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं। और इनके खाना इनको जो है हमारे शरीर के स्किन से मिलता है, बेड्स में बहुत पाए जाते हैं, तो एक दूसरे से कांटेक्ट होने से भी ये फैलने लगता है। प्रेजेंटेशंस क्या क्या आएगा, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, सो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा नोचता है ये, बहुत ज़्यादा नोचना मतलब अर्टिकेरिया बोलते हैं हम इनको, इस चीज़ों को क्रॉनिक बहुत ज़्यादा अर्टिकेरिया रहता है, बहुत नोचता है, क्योंकि हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है। सो हिस्टामिन ये प्रोड्यूस कराते हैं, बहुत ज़्यादा नोचता है, पूरे शरीर को नोचने लगता है, बहुत इंटेंस प्रूराइटिस जिसको हम बोलते हैं। सो ये प्रूराइटिस करा देता है, इंटेंस प्रूराइटिस। सो इंटेंस प्रूराइटिस के साथ साथ और क्या प्रॉब्लम होते हैं, तो साथ में साथ पूरे दाने 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 छोटे 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 दाने पूरे शरीर में हो जाते हैं। या फोटो देख रहे हैं, पीनिस में दाने हो जाते हैं और साथ साथ जो है पूरे शरीर में दाने होने लग जाते हैं, ठीक है। आपके बहुत सारे एरियाज में दाने दाने निकलने लग जाते हैं। तो ये आप फोटोज जो देख रहे हैं वो उसी के क्लासिकल फीचर्स हैं। सो इसका बहुत कॉमन है, पता कैसे लगता है कि इसकी स्केबीज है या और कोई कारण से अर्टिकेरिया हो रहा है, या कोई और अर्टिकेरिया का कारण है या प्रूराइटिस का कोई और कारण है, तो हम देखते हैं कि पूरे परिवार में उसको नहीं हो रहा। अगर ये पूरे परिवार में हो गया है, बच्चों को हो गया है, माता पिता सबको हो गया है, तब समझ जाइए कि ये जो है ये स्केबीज की तरफ जा रहा है। और देखने से भी डॉक्टर से मिलिए और डॉक्टर देख के ही आपको बता देगा कि ये स्केबीज है या कुछ और है। ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देते हैं परमेथ्रिन, ठीक है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला क्रीम जो आता है, दिस इज नोन एज परलाइस क्रीम, 5% का क्रीम होता है ये परमेथ्रिन का। सो इसको हम जो है रात में पूरे चेहरा छोड़ के पूरे शरीर में लगा लेते हैं। लगाने के बाद हम इसको 8 घंटा छोड़ देते हैं। 8 घंटा छोड़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे सुबह उठ के पूरा नहा लेते हैं, नहाने के बाद एक बार पूरा वॉश ऑफ कर देते हैं। इसके साथ एक हफ्ता बाद फिर से ये करते हैं, 2 एप्लीकेशन लगेगा। 2 एप्लीकेशन में आपको परमेथ्रिन के 2 एप्लीकेशन में स्केबीज का, जितना भी स्केबीज ने अंडा, इसका आपके बग ने अंडा दिया है या स्केबीज जो माइट है जो सब जगह है, वो पूरा माइट खत्म हो जाएगा। साथ साथ जो है इसके अलावा गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, तो वो भी आप ये फोटो देखिए, ये गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का है। लिंडेन जिसको बोलते हैं हम लोग, ये इसका भी ट्रीटमेंट है, ये इससे भी हम लोग इसको हटा सकते हैं। इसके अलावा और क्या ट्रीटमेंट है, तो एक टेटमोसोल का साबुन आता है, टेटमोसोल जिसमें मोनोसल्फिराम होता है, टेटमोसोल का साबुन आता है, परमेथ्रिन का भी सोप आता है। तो ये टेटमोसोल का साबुन हो गया, ये परमेथ्रिन का सोप हो गया। सो ये दोनों से भी ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके अलावा आइवरमेक्टिन टैबलेट आता है, आइवरमेक्टिन ये वाली टैबलेट है, आइवरमेक्टिन की टैबलेट से भी आप जो है ये ठीक हो सकता है, आइवरमेक्टिन की टैबलेट। लेकिन आइवरमेक्टिन हम हमेशा ओल्ड एज में देते हैं बच्चों के लिए, परमेथ्रिन इज सेफ और ग्रेटर देन 12 ईयर्स टू 14 ईयर्स को ही हम आइवरमेक्टिन प्रिस्क्राइब करते हैं। सो अपने डॉक्टर से मिलिए और इसका इलाज संभव है, बहुत जल्दी इलाज हो जाता है, सो परेशान होने की बात नहीं है, डॉक्टर से मिलेगा तो वो सही इलाज करेंगे। सो होप आपको ये मेरा वीडियोस अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया। सो ऐसे ही वीडियोस मैं बनाते रहूँगा, धीरे धीरे, टाइम नहीं मिलता है बट मैं बनाऊँगा। सो
कीप सपोर्टिंग, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिए। ऐसे ऐसे वीडियोस और आते रहेंगे, डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ वीडियोस रहेंगे और भी बीमारियों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।